खुदावन यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सो आइए नरसिंगों के साथ मिलकर हम आराधना में शामिल होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। सो आइए हम आराधना में चलेंगे, सभी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे। हेलो हालेलुया, हेलो हेलो हेलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, दुखां दे वेल तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेल तेरी यहोवा सुने दुआ। आइए सभी आगे आ जाएं प्रभु की हजूरी में, सभी उसकी प्रेजेंस में इकट्ठे मिलकर इस आराधना में शामिल होंगे। सभी आगे आ जाएं। Yeah.
बोले यीशु मसीह की हालेलुया। स्वाई उसकी आराधना में बने रहें, उसका अभिषेक, उसका मसा, उसकी हजूरी पूर्ण तौर से उसके लोगों में है। हालेलुया। सो आज कोई भी ऐसा जन ना रहे जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की प्रस्तुति ना करे। स्वाई मिलकर उसकी हजूरी में। थैंक यू जीसस। सोना कोई लभदाई नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदाई नहीं, मैनू तेरे जेहा सोना कोई लभदाई नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदाई नहीं, मैनू तेरे जेहा सोना कोई लभदाई नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदाई नहीं, मैनू तेरे जेहा सोना कोई लभदाई नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदाई नहीं। जिस दिन नी तेरे नाल गल हुंदी, 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 मैं सोण दे वांग बरसदा हां, जिवें परिंदा आलण नूं तरसदा ए, ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ,
ਅਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अपनी जिंदगी में उसके आनंद को भरते हुए, अपनी जिंदगी में यीशु के प्यार को भरते हुए इस भजन को, इस वर्शिप में शामिल होंगे, इस भजन को बोलेंगे। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, क्योंकि सच में जो यीशु मसीह में है
वो अपनी जिंदगी को गुनाहों से आजाद करते हैं, अपने आप को गुनाहों के चंगुल में फंसे नहीं रहने देते। अगर हम यीशु में हैं और हमारा स्वभाव या हमारा जीवन नहीं बदला तो बेफायदा है यीशु का हमारी जिंदगी में आना। सो आइए उसकी हजूरी में मिलकर इस भजन को बोलेंगे। आज अगर अभी भी हमारा जीवन गुनाहों में है, पापों में है, तो आज खुदावन यीशु हमें बुला रहे हैं। हालेलुया, खुदावन यीशु हमें पुकार रहे हैं, हे सारे थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह हमें आराम देना चाहते हैं। क्या हम अपने पापों के घड़े को फोड़ सकते हैं? क्या हम अपने गुनाहों को छोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो यीशु हमारी जिंदगी में कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। सो आइए मिलकर उसके हजूरी में तालियों के साथ इस भजन में शामिल होंगे। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया। मैं यीशु की दीवानी हो गई, सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। मिलके बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी सुना दिया। हालेलुया, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई।
अपनी आंखों को बंद करते हुए वो नाम मीठा नाम जो हमारी जिंदगी को अंधकार से आजाद करता है, वो नाम मीठा नाम जो हमें हर दुख की सामर्थ से आजाद करता है, जिस नाम का सामना करने की सामर्थ ना ही आसमान में है ना ही पृथ्वी पर। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है उस नाम से, यीशु नाम से हर एक घुटना झुक जाता है। हालेलुया, सही है, उसकी हजूरी में मिलके इस वचन को बोलेंगे। मीठा नाम यहोवा मेरे दिल बिच बस जावे, यीशु राजा दे जाने मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा मेरे दिल बिच बस जावे, मिठा नाम मिठा नाम यहोवा मेरे दिल
खुदा सांब सांब के कदे शलना कपटिया वे बोले इंग्लिश में मेनू रखी खुदा सांब सांब के कदे शलना कपटिया वे सोटी लाठी वाली वड़ी सहरियां जो था हो बोलिए जिंदगी यहोवा दी वड़ी सहरियां जो था हो जिंदगी यहोवा दी वड़ी दिलों को खोल दें, क्योंकि अगर यीशु का साथ नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं, अगर यीशु का ज्ञान नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बुद्धिवान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे करें कि हम यीशु को जानते और पहचानते। आज यीशु को कहे, प्रभु तू मुझे भर दे, यीशु तू मुझे छू ले, यीशु तू मुझे पाक बना दे, पवित्र बना दे। जैसा तू चाहता है वैसे मैं बन जाऊं, जैसा तू चाहता है वैसे ही मैं चलूं। सब अपने हाथों को खुदावंत के उठाए और अपने आप को नम्र करके अपने दिलों को हलीम करके खुदावंत के आगे लेके चलेंगे। आज की आराधना में शामिल होंगे पूरे दिल के साथ, पूरी आत्मा सच्चाई के साथ। Shoo, 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 sho
मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को मेरी जान को, मेरी जान, मेरी रूह को, मेरे बदन को मिलके बोले मुझे आगे अपने आप को झुकाते अपने आप को निहारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे यूं ही आगे झुकते हैं अपने आप को उसके आगे रखते हैं उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं उसकी आराधना करते हैं मेरी रुको
चर्च में इस कलीसिया में खुदावन के लोगों में उसकी इच्छा को मांगे स्वयं मिलकर हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे हे प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे हे प्रार्थना मैं वासे अपनी जगह को है जो भी तू चाहे तू यहाँ पे
welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Hallelujah. हम अपने बादशाह का वेलकम करते हैं. The King of Kings, the Lord of Lords, Lord Jesus Christ, यीशु मसीह की. हम यीशु मसीह के लिए अपने दिल को बिछा दे हैं. अपने दिल बिछा दे खुदावन के लिए. ऐसा वेलकम, ये तालियों की आवाज ऊपर स्वर्ग तक पहुंचे. हालेलुया, ये तालियों की आवाज आसमानों को चीरती हुई खुदावन के तक में पहुंचे. हालेलुया, हालेलुया. दिस इज ब्यूटिफुल ऑफरिंग. ये खूबसूरत ऑफरिंग हम खुदावन के कदमों में लेके आते हैं. Psalm 47 verse 1 कहता है, Clap your hands, all people, shout to God with loud songs of joy. खुशी से नारे लगाते हुए. We welcome you. Hallelujah. Yeshua. We welcome you. This is beautiful. Hallelujah. Na main akna de na main thakna. Yes, Lord. Hallelujah. Yeshu Masih ki jai. यीशु मसीह की जय. यीशु मसीह की जय. ये जो तालियों की ऑफरिंग खुदावन के आगे चढ़ाई, फिर से जबूर 34 के 5 को रिसीव करें. उसमें लिखा, जिन्होंने यहोवा की तरफ देखा उनके चेहरे कभी शर्मिंदा नहीं हुए बल्कि चमके. Their faces were radiant. खुदावन आपके चेहरे के ऊपर कभी शर्मिंदगी नहीं आने देगा. हालेलुया, हालेलुया. विक्ट्री, सक्सेस यीशु मसीह के नाम में आपको आगे पीछे से घेर के रखेगी, क्योंकि ये हाथ यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए उठते हैं. थैंक यू लॉर्ड. You are blessed. Hallelujah. Wow. This is beautiful. This is beautiful. This is beautiful. Hallelujah. Wow, Lord. Kaise na khudawan ka tat lage. Kaise na khudawan ka tat lage. Jahan pe Yeshu Masih ki bhookhi pyaasi kalisiya. Hallelujah! Beautiful! 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 Yes, Lord, for you, Lord! Hamare Yeshua ke liye. You deserve it all, Lord! You deserve it all! All honor, all praises, all glory for our Yeshua! Hallelujah! Wow, wow, this is beautiful. कैसे ना खुदावन का तख्त लगे, कैसे ना खुदावन दुआ के घर में, कैसे ना वो तख्त लगा लें जहाँ पे उसके भूखे प्यासे, जहाँ पे हर बार खुदावन की भूख रखते हुए कि यस लॉर्ड हम आपके चेहरे की तरफ देखते हैं. तो जो यीशु के चेहरे की तरफ देखता है उसका अपना चेहरा नूर से भर जाता है. हालेलुया, थैंक यू. ये हाथ जो खुदावन की शान में आप इन तालियों को बजाते हैं, खुदावन
अगेन साम 90 वर्स 17 को रिसीव करें. द फेवर ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस. द फेवर ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस. ही विल एस्टैब्लिश द वर्क्स ऑफ माय हैंड्स. आमेन. वो मेरे हाथों के कामों को दृढ़ करेगा. हालेलुया. आई एम ब्लेस्ड. I am blessed. अपने साथ वाले से कहें, You are blessed. Online जो देख रहे हैं, You are blessed. Hallelujah. Yes, I. God bless you. Hallelujah. You are blessed. आपकी जिंदगी, आपकी हर चीज blessed है. हर चीज मुबारक है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. अभी वैसे मैंने कहा नहीं था जाने के लिए, आप चले गए. खैर, that's okay. Hallelujah. चले. Hallelujah. Thank you, Lord. कितने मुबारक हैं हम जो खुदावन के घर में आए हैं. कितने मुबारक हैं कि ये दरवाजे खुले और हम खुदावन के कदमों में आ गए और बाप जी के घर से झोलियां भर के जाएंगे. आमेन. हालेलुया. हम आज अपने बाप जी के घर से खाली नहीं जाएंगे. और अगर आज आप खुदावन के घर में पहली बार आए हैं तो हम आपको वेलकम करना चाहेंगे. आप प्लीज़ खड़े हो जाएं. वी वांट टू वेलकम यू. और जो नए लुक्स में पहली बार आया है वो भी खड़ा हो जाए. वी वांट टू वेलकम यू. हालेलुया. दिस इज़ अमेजिंग. गॉड ब्लेस यू. आपका आना. हाँ, मनप्रीत शादी करके आई है. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपको ब्लेस करें. विजय भाई, आप दोनों के लिए बड़ी ब्लेसिंग. खुदावंद बरकत दें. You are here for the first time. We want to welcome you. God bless you. And God bless you, bache. God bless you. Bahut sari blessings. Hallelujah. We welcome them. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Khudavan ki badi shukr guzari karte hain. Jo Khudavan, jab hum Khudavan ke paas bhook aur pyaas rakh ke aate hain, जब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं, खुदावंद हमें कभी खाली नहीं छोड़ते, कभी तन्हा नहीं छोड़ते. खुदावंद हमारी जिंदगियों को, हमारे कैरेक्टर को, हमारी आदतों को, हमारी सोचों को बदल देते हैं. मुझे परसों एक कॉल आया पाकिस्तान से. पाकिस्तान में उस टाइम 2 बजे थे रात के. तो वो भी अभी शायद सुन रहे होंगे. तो उन्होंने वो मुझे, आई एम सॉरी अगेन, कि मुझे बहुत बहुत सारे कॉल्स आते हैं. मेरा व्हाट्सएप का रिंगर ऑफ है, इसलिए मुझे नहीं पता चलता जब भी कोई व्हाट्सएप कॉल आती है. और इतनी कॉल्स इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक. तो सॉरी अबाउट दैट कि वो सितंबर से मुझे बहुत कॉल्स कर रहे थे. आई कुड नॉट आंसर एनी कॉल. बट जब परसों मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने पूरे घर का, जो खुशी की आवाज़ थी, उन्होंने रात के 2 बजे सारे घर के मेंबर्स को नींद से उठा दिया कि कॉल लग गई है. और वो छोटे से 4 साल से बच्चे से लेके 11-12 से लेके बुज़ुर्ग, वो लोग फ़ोन पे थे. और जो इतनी मेरे दिल को बात छुई कि वो पूरा घराना, वो कहते हैं हमारा तो, हमारी ज़िंदगी बदल गई है. और अब हम, उन्होंने जो एक बात बताई, उनकी 4 साल की बच्ची, तो वो कहते हैं कि वो जो 4 साल की बच्ची, उसने, वो भी कलाम सुनती है. और अगर आपको याद होगा, एक बार मैं कलाम में मैंने शेयर किया कि मैं और आदि, हम लोग रेस्टोरेंट जाने लगे. तो आदि कार में बैठा तो मैंने कहा चलो लेट्स ऑल 3 गो. तो वो आगे बैठा था, एकदम उसने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे तो कोई नहीं है. तो मैंने कहा 3, मैं, आदि, जीसस, मी एंड यू, 3. और जब हम रेस्टोरेंट भी पहुँचे, हम तो 2 थे, तो सर्वर हमें हमारे फेवरेट टेबल पे लेके गई और उसने कहा हियर इज़ योर टेबल फॉर 3. दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो वो छोटी सी बच्ची, वो कहती है अब वो जब भी कहीं जाना होता है वो सबको गिनती है कि 1, 2, 3. एंड देन वो हमेशा कहती है जीसस पापा हमारे साथ हैं. दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि एक 4 साल का बच्चा जब ये सीख रहा है तो
उन्होंने बताया बॉलीवुड हॉलीवुड ख़त्म उनकी ज़िंदगी से। वो 11 साल के बच्चे से बात हुई, 12 साल के बच्चे से बात हुई, वो कह रहे हम टी शर्ट्स लेते हैं, हम ध्यान से लेते हैं कि उसके ऊपर कोई ऐसा ईविल का साइन ना हो। एंड दे सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। एंड मेरा हार्ट बहुत रिजॉइस किया कि सच में कि कलाम हमारी ज़िंदगी को बदलता है, हमारी सोचों को बदलता है, हमारे कैरेक्टर को बदल देता है। आमीन। आज एक फास्टिंग डे, हर संडे की तरह आज हम अपनी हैकल के लिए, खुदावंद की हैकल के लिए आज फिर हम फास्टिंग में ठहरे। इस लास्ट वीक मैं एक जगह दुआ पे गई, दुआ करने के लिए गई, तो वो मेरे बड़े दिल के करीब परिवार है, तो वो बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, तो एक जगह वो खूब सारे घर बना रहे थे, तो दे वांटेड कि वहाँ पे प्रेयर हो जाए। तो जब मैं उनके गई तो उन्होंने एक वो घर जो अभी सिर्फ, अगर आपने घर को यहाँ पे बनते देखा, सिर्फ लकड़ी के स्ट्रक्चर, सिर्फ लकड़ी के वो लकड़ियाँ जब होती है, सिर्फ वुडन बीम्स लगे हुए थे, ऊपर छत थी बस, सिर्फ बीम्स थे, तो वो मुझे कहते आप ज़रूर इस घर के अंदर आएँ और ब्लेस करें। तो मैं उनके घर के अंदर एंटर हुई तो सिर्फ बीम्स में वो मुझे बता रहे हैं ये बेडरूम है, ये लिविंग रूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, देखें कितना बड़ा है। और मैं कहती जा रही हूँ अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, और सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर था, अरे वाह लिनन क्लॉजेट इतनी बड़ी दिख कुछ भी नहीं रहा था क्योंकि सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर था। पर हर चीज़ के लिए जब मैं वाह वाह करती जा रही थी, और मैंने उनको भी कहा कि इस टाइम सिर्फ लकड़ी खड़ी है, ना बेडरूम दिख रहा, ना लिविंग रूम दिख रहा, ना कोई क्लॉजेट दिख रही है, पर हम उसको कह रहे हैं ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, कितना प्यारा व्यू है। जब ये सब चीज़ों को, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, दैट्स व्हेन आई वाज टेलिंग देम एज वेल कि दिस इज़ योर फेथ, कि अब पता है कि यहाँ पे ज़रूर लिविंग रूम आ जाएगा, यहाँ पे ज़रूर ये क्लोज़ेट बन जाएगी, यहाँ पे ये सब जो सोचा है वैसे बन जाएगा। तो उसी तरह से हमें फेथ में हमें रिसीव करना है, एंड इट विल बी डन इन द नेम ऑफ यशुआ। आमेन, हालेलुया। तो अगर आपकी ज़िंदगी में जो अप्रूवल्स की आप वेट कर रहे हैं, जो चीज़ें जहाँ जहाँ जिस चीज़ को आप इंतजार में हैं, रिसीव इन फेथ, क्योंकि वी डू नॉट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हमने पीछे हम सीखते आ रहे हैं कि स्पिरिचुअल रेल्म में हम रिसीव करते हैं और फिर बाद में उस फिजिकल रेल्म में एंटर होते हैं। आमीन। आज मेरे साथ मिलके हम हैकल के लिए दुआ में आएंगे, और मैं चाहूंगी नर्सिंगों के साथ हम शुक्रगुजारी करेंगे। पीछे बीते दिनों में हम हर रोज़ इकट्ठे मिलके अपने खुदावन की हैकल के लिए दुआ कर रहे हैं। 7 दिन तक हम खुदावन से मांगते रहे खुदावन हैकल, और खुद 7वें दिन 7 नर्सिंगों के साथ हमने रिसीव किया। इट इज़ डन। खुदावन ने ये झोली 100 मिलियन सोल से भर दी है। हालेलुया। खुदावन ने ये झोली बपतिस्मों से भर दी है। खुदावन ने ये झोली हैकल से भर दी है, और जो चीज़ें हमने खुदावंद से मांगी खुदावंद ने भर दिया है। और आज जब हम गीत गा रहे थे यीशु राजा दे खजाने आ तो मैनू बरकत मिल जाए, और मिल गई है। वी रिसीव दोज कीज। हम एंटर कर रहे हैं, हम उस एक एक जगह को, कम इन अग्रीमेंट विद मी, कि हम खुदा बाप जी उस हैकल को, उस ड्राइववे में से एंटर करते हैं, उन दरवाज़ों को हम ब्लेस करते हैं जहाँ से हम आपकी महिमा के लिए दाखिल होंगे, जहाँ पे खुदावंद 7वें दिन आपकी महिमा होगी, जहाँ पे खुदावंद आपके सजदे होंगे, जहाँ पे खुदा बाप और रूहें बचती जाएंगी, सेल्वेशन पाएंगी खुदा बाप जी, जहाँ पे वो बपतिस्मे
लिए जाएंगे, जिंदगियां बचेंगी, जहां पे हमारी जोशुआ जनरेशन की फाउंडेशन रखी जाएगी खुदा बाप जी, जहां पे वो स्कूल होगा दुआ का घर, क्रिश्चियन स्कूल, जहां पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे और वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर उनकी जिंदगी खड़ी होगी। हालेलुया, हमारे बुजुर्गों के लिए हम क्लेम करते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी सत्य आंटी जो अकेली एक बिलीवर है और जिनको उनके बच्चे भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनके रहने की जगह, हमारे बुजुर्गों की रहने की जगह खुदावंद ने हमें दे दी है। खुदावंद ने वो 24 आवर्स वो खाने का इंतजाम किया है, कोई भी भूखा नहीं जाएगा, ना रूहानी तौर से ना जिस्मानी तौर से। हालेलुया, और वो ब्यूटीफुल हैकल, वो ब्यूटीफुल हैकल, 7 वंडर्स है इस दुनिया में, बट ये हैकल एक वंडर बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत से लोग हैं जो दुआ के घर के लिए कनाडा आना चाहते हैं, और सच में हैकल में उनके रहने का भी इंतजाम होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हम पार्किंग लॉट से लेके उन दरवाजों को, उन सीटों को, उन दीवारों को, उस छत को, उस प्रोजेक्टर को, उस मीडिया सिस्टम को, हर एक एक चीज को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, रिसीव करते हैं। इट इज ब्यूटिफुली डन इन द नेम ऑफ यीशुआ। आमीन, 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। एंड वेरी सून हम एंटर कर रहे होंगे इज़राइल और ईरान में जंग, इफ यू आर फॉलोइंग दैट, किस तरह से ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल हमले शुरू किए। वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स, पिछले वीक भी हमने सीखा, वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स, और ये जंग, ये सब कुछ होना, दिस इज प्रोफेसीज पूरी हो रही है एंड टाइम्स की। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को खुदावंद के आगे बिल्कुल बिल्कुल अपनी मैं से ख़त्म करके यीशु से भरते जाएं। आमीन, और यही पर्पस है खुदावंद के घर आने का, यही पर्पस है खुदावंद के कदमों में बैठने का। अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी सोचों को, अपनी समझ को तैयार करें। खुदा बाप जी, पाकरू मेरे कानों को छुएं, मुझे मस्सा करें, अनॉइंट करें, कि आपकी हेवनली अनॉइंटिंग आज मेरे कानों से होके मेरे रूह के अंदर जाए। खुदा बाप जी, आज का कलाम मेरी जिंदगी को बदलने वाला, मुझे आपसे भरने वाला हो जाए। खुदा बाप जी, आज आपका कलाम, मेरा रेमा वर्ड को मैं रिसीव करता हूँ, मेरे रेमा वर्ड को रिसीव करती हूँ आखिरी सांस तक, कि मेरी जिंदगी में, मेरे दिल के अंदर नक्श हो जाए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज रेडी हो जाए। गॉड, लाइक माई हार्ट इज रिजॉइसिंग। मैं बहुत ओवरफ्लो ऑफ जॉय, खुदावंद की साथ खुशी में, एक सबत का दिन जिसको खुदावंद ने पाक ठहराया, खुदावंद ने जिंदगी दी, उठा खड़ा किया। आई एम एक्साइटेड अबाउट द वर्ड टुडे। आप भरने के लिए तैयार हो जाए। आमीन, क्योंकि खुदावंद अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। पहले हेवन में जाना है। अगर खुदावंद से हम हैकल मांग रहे हैं तो हमें उसके लिए तैयार भी होना है। आमीन, एम्ब्रेस गॉड्स अनॉइंटिंग। आज अनॉइंटिंग से भरने को तैयार हो जाते हैं। हु वॉन्ट्स द अनॉइंटिंग? खड़े कर हाथ कर लो खड़े, खुदावंदी देखते हैं। हाँ, हु वॉन्ट्स अनॉइंटिंग? मैं चाहती हूँ दुआ के घर की एक एक जान मस्से से भर जाए। आमीन, हालेलुया। पर अनॉइंटिंग है क्या? व्हाट इज अनॉइंटिंग? आज अनॉइंटिंग के बारे में हमने बड़ी बार पीछे भी बात करी, पर आज हम फिर से सीखेंगे, क्योंकि वी ह्यूमंस हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम एक चीज़ को सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, आईने की तरह, कि जब हम देख रहे होते हैं अपनी शक्ल सूरत को तो हमें याद रहती है, जैसे ही आईने से हटते हैं, डू यू रिमेंबर आप कैसे लग रहे हैं? Nobody remembers, क्योंकि
जैसे आईने से हटते हैं भूल जाते हैं, उसी तरह से जो कलाम है ये हमारा आईना है, जितनी देर इसमें खड़े रहते हैं अपना आप देखते रहते हैं, हटते ही भूल जाते हैं, इसलिए हमें बार बार सीखने की ज़रूरत है। वॉट इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग जो है, जिसको हो सकता है हम अलग अलग चीज़ों में इसको तोलते हो, अनॉइंटिंग इज मोर देन सक्सेस, कि हम बड़े सक्सेसफुल हो गए, इट इज़ मोर देन नेम एंड फेम, ये नेम फेम से बढ़ के है अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग जो भरा हुआ एक भीड़ है, इट्स मोर देन दैट भीड़, इट्स मोर देन द अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस तो स्टेडियम में भी भर जाती है, पर वो अनॉइंटिंग के लिए नहीं होती, वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। तो बहुत सी भीड़ जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए या सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हो सकती है, बट इट्स नॉट अनॉइंटिंग। अगर भीड़ है, भीड़ का मतलब खाली अनॉइंटिंग नहीं है। द अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग मस्सा क्या है, जो पॉल के ऊपर था, जो पतरस के ऊपर था, जो इज़ेकियल के ऊपर था, ज़ाया के ऊपर था, इलाइजा के ऊपर था, एलीशा के ऊपर था, जर्माया के ऊपर था, दैट इज अनॉइंटिंग, दैट इज अनॉइंटिंग, जो पुराने अहदनामे से लेके न्यू टेस्टमेंट तक हम उन अपोस्टल्स के ऊपर देखते हैं। खाली अपने नाम के आगे बड़े टाइटल प्रॉफिट अपोस्टल्स और बिशप और रेवरेंट लगा लेने से वी डोंट गेट दैट अनॉइंटिंग उस नाम की। दैट्स जस्ट द टाइटल जो हमें लगाया, दैट्स नॉट फ्रॉम गॉड, जब तक कि वो टाइटल खुदावन से नहीं आता। आमेन। जब अनॉइंटिंग आती है, जब खुदावन का मस्सा आता है, इट ब्रिंग्स अस पावर, इट्स ब्रिंग अस विजडम, हमें अकल समझ आती है। हमारी जिंदगी की बहुत सारी जो ब्लर्ड चीजें हैं वहां पे क्लैरिटी होने लग जाती है, हमें डिसर्नमेंट आ जाती है, हमें परख आ जाती है। ये सब चीजें बिलीवर्स की लाइफ में आती हैं जब खुदावंद का मस्सा उतरता है। सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, चैप्टर 2:9, इसको अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा, अगर हम इसको मैं बड़ी बार आपके सामने लेके आती हूं, दिस इज बिटवीन एलाइजा एंड एलिशा। एलिशा क्या कहता है, एलिशा क्या चाहता है एलाइजा से, प्लीज लेट मी इनहेरिट अ डबल शेयर ऑफ योर स्पिरिट, योर अनॉइंटिंग एंड बिकम योर सक्सेसर। पढ़ेंगे इसको राहुल। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठाए लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। आमेन। अब एलिशा ने क्या मांगा, एलाइजा की डबल पोर्शन अनॉइंटिंग। जब एलिशा ने एलाइजा की अनॉइंटिंग को मांगा, तो बट उसको, एलिशा को एलाइजा की जिंदगी की हर चीज पता थी। एलाइजा क्या क्या चीजों से गो थ्रू हुए, there was anointing, but वो अहाब और जेजबल से भी भागते हुए डर रहे थे, कि वो जेजबल ने जब कहा कि मैं मार दूंगी, तो वो डरते हुए जा रहे थे। He knew कि ये एलाइजा के साथ हुआ। एलाइजा लोगों के मजाक का भी एक हिस्सा बने। आज तक हम कहते हैं उनको डिप्रेशन हो गया था। आज he was rejected by crowd, वो डेजर्ट में पंछियों के थ्रू खिलाए गए, मतलब अकेले आइसोलेशन में रहे। ही न्यू कि एक जो प्रॉफिट है, हमेशा प्रॉफिट के ऊपर जब अनॉइंटिंग आती है, वो अनॉइंटिंग खाली प्रेज नेम फेम वो ही नहीं लेके आती, बहुत सारी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। सो एलिशा को ये पता था कि अनॉइंटिंग से खाली ये नहीं, मुझे डबल मस्सा मिल जाए और मेरे पोस्टर्स छप जाए, हाँ, इट्स नॉट दैट।
He understood कि उसका भार क्या है. Every position comes with the huge responsibility. आपकी जब promotion होती है तो responsibility भी बढ़ जाती है. जब आप एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब हायर होते हैं आपका responsibility level बढ़ जाता है. और जब आप खुदावंद the biggest corporation of this universe जब खुदावंद आपको अपनी kingdom के लिए hire करे तो आप सोचो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ जाएगा. ही न्यू इट और खुदावंद ने उसको वो दुगना मसा वो जो एलाइजा का जब वो उसको जाते हुए देख रहा है उसके ऊपर वो मसा उतरा. एंड ही डिड हैव द डबल एनॉइंटिंग एलाइजा की. नाउ एक और फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे एक और सीन में. इन सेकेंड किंग दूसरा राजा चैप्टर 3 वहां पे क्या हुआ जब इसमें आप पढ़ेंगे इसको आप नोट कर लें इस वर्ष को. दूसरा राजा चैप्टर 3 उसमें क्या देखते हैं कि जो मोआब है वो इसराइलियों के अगेंस्ट जंग में आ रहा है और अब वो बड़े डेस्परेट है कि उनको खुदावंद से एक वर्ड मिल जाए. जैसे हम सीख करते हैं खुदावंद आपकी मर्जी हमें मिल जाए तो ये भी खुदावंद की मर्जी मांग रहे हैं. और जहशुपात है वो क्या वो पूछता है कि क्या यहाँ पे खुदा का कोई नबी नहीं है. क्या यहाँ पे कोई खुदावंद का नबी है. सेकंड किंग चैप्टर 3 वर्स 11 में तो उसमें से एक नौकर जवाब देता है यस देयर इज. कौन है इस वर्स को जरा आराम से पढ़ेंगे. एलीशा सन ऑफ शापत हु यूज्ड टू पोर वाटर ऑन एलाइजास हैंड इज हियर. पढ़ेंगे. परंतु यहोशापात ने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें. इसराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा हाँ शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यहाँ है. कौन है जो क्या करता था एलिया के हाथों को धुलाता था. हाथों को धुलाता था ये उसकी पहचान थी. हाथों को धुलाने का मतलब जो है वो आपको समझ आया यहाँ पे. देयर इज अ ह्यूज मीनिंग बिहाइंड दैट कि जब कहा कि वो एलाइजा के हाथों को धुलाया करता था. एलीशा जो था वो उसके एलाइजा के हाथों को पानी डाल के उसके हाथ धुलाता था. इसका मतलब ये था एक ऐसी सर्विस वो देता था एलाइजा को जो उसका बिल्कुल कोई उसके जो करीब होगा वही उसकी उस तरह से सेवा कर सकेगा. कोई ऐसा होगा जो उसके इतने करीब होगा कि वो उसके दिल की बातें जानता होगा. कोई ऐसा होगा जो उसका खुदा के साथ जो एलाइजा का रिलेशनशिप है क्योंकि वो उसके हाथ तक धुलाता था मतलब उसकी इस कदर सेवा करता था इस कदर सर्व करता था कि एलीशा को हर चीज एलाइजा की उसके खुदावंद के साथ जो बातें थी वो भी पता थी. इट्स वेरी पावरफुल. अगर हम इस चीज को समझें कि अगर इफ यू आर नॉट विलिंग टू पोर अगर पानी से हाथ धुलाने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो वो वाली एनॉइंटिंग भी ऊपर नहीं आएगी. टू गेट दैट एनॉइंटिंग एलाइजा की एनॉइंटिंग के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. एनॉइंटिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. विलिंगनेस चाहिए टू सर्व. यीशु क्या करने के लिए आए. ही सर्व्ड बिफोर गोइंग ऑन द क्रॉस. वो अपने चेलों के पांव धो रहे हैं. एंड ही सेड जिसको सर्व करना है वो सर्वेंट हार्ट रखे. एंड अगर आप हाथ नहीं धुला सकते यू कैन नॉट रिसीव द एनॉइंटिंग.
आज के जमाने में लोगों को असिस्टेंट की जॉब नहीं चाहिए, सीधा प्रॉफिट का टाइटल लगा दो, सीधा स्ट्रेट प्रॉफिट एंड अपोस्टल्स और सब बड़े बड़े टाइटल्स लगा ले। सर्विंग हार्ट नहीं है। आई रिसेंटली हैड समवन जो अभी कोई आए यहाँ पे फर्स्ट टाइम, और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी अनॉइंटिंग मुझे ट्रांसफर कर दें। एंड आई वॉज बता दो कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट कि मैंने ये तेल लिया, अपने अंदर से निकाला और डाल दिया। कर सकता, खुदा कर सकता है इफ गॉड वॉन्ट्स। बट इफ यू विल जस्ट कम फर्स्ट डे कि आप मुझे अपनी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दें, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि खुदा ने देनी है अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग कौन दे सकता है? जो अनॉइंटिंग का ओनर है। आमेन। जो ओनर है, एंड ओनर ऑफ अनॉइंटिंग इज यशुआ। आमेन। हालेलुया। तो उसने देनी है, उसकी चीज है, उसके लिए क्या करना है? सर्विंग हार्ट चाहिए। एलिशा को एलाइजा के हाथ धोता था, मतलब कितना उसकी सेवा करता था, तब वो जाके अनॉइंटिंग मिली उसको, तब वो मिला। तो जब अगर आज अपने आप से पूछे, देयर इज अ थिंग, एस्क योरसेल्फ कि आज आपको खुदा कहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे जाके पानी हाथ धुलाने हैं। आज खुदावंद आपसे पूछ रहा है, वेयर डू यू हैव टू पोर वाटर, कहाँ पे वो पानी को डालना है, कहाँ पे मुझे असिस्ट करना है, कहाँ पे मेरी मदद चाहिए। और अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, जो जगह खुदावंद की ठहराई हुई है, तो वो जो अनॉइंटिंग है, दैट विल कम फ्रॉम हेवन, दैट विल कम फ्रॉम द ओनर, जो यीशु मसीह, वो अनॉइंटिंग से भर देंगे। आमेन। हालेलुया। अगर एलिशा पानी से हाथ ना धुलाते तो वो अनॉइंटिंग उनके ऊपर नहीं आती। अनॉइंटिंग के लिए सैक्रिफाइस चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए ऑन द ऑल्टर टू रिसीव द अनॉइंटिंग। अगर आपको वो मस्सा चाहिए, यू नीड टू ब्रिंग दैट सैक्रिफाइस टू द ऑल्टर। जब आप लेके आएंगे उन सैक्रिफाइसेस को, और खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे। यू नो लाइक हाउ आई डेंट हैव कोई ऐसे मुझे मेरे लिए एलाइजा और हर चीज खुदावंद यीशु मसीह ही रहे। द डे आई केम टू क्राइस्ट, जिस दिन मैं यीशु मसीह में आई, इट वॉज खुदावंद खुद बे खुद अपने आप आगे आ गए थे। और ये बात मैं जितनी बार आपसे शेयर करती हूँ, उतनी बार आई गो बैक एंड लिव दैट ब्यूटिफुल मोमेंट, कि जिस सुबह जिस रात को मैंने ऊंची आवाज में खुदावंद से कहा कि लॉर्ड लॉर्ड जीसस, इफ यू आर द ट्रू गॉड, शो योर सेल्फ टू मी। अगर आप सच्चे खुदा हैं, क्योंकि मैं तो हिंदू घर में पैदा हुई हूं, मेरी तो शादी एक सिख घराने में हुई है, मैं आपको नहीं जानती, बट अगर आप ही सच हैं तो अपना सच मुझे दिखा दें, ताकि मुझे पता चल जाए, पर मैं इनोसेंट हूं बिकॉज मुझे नहीं पता। अगर आज कहीं पे आपके दिल में डाउट है, तो आप खुदावंद को आवाज लगा के देखें, खुदावंद जवाब देंगे। क्योंकि आई गॉट माई आंसर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं अपने उस मंदिर के सामने बैठी हूँ, अचानक से इतनी डर रही हूँ, और डर के अपना मुंह साइड में किया, एंड इतनी खूबसूरत रोशनी आई, और रोशनी में से आवाज आई, आई एम द ट्रूथ। हालेलुया, हालेलुया, बिकॉज ही इज लिविंग गॉड। पर वो फर्स्ट मोमेंट था यीशु मसीह के साथ, आई दैट मोमेंट, एक ऐसा तुसनामी आई, तुसनामी आई, ब्यूटिफुल तुसनामी अंदर आ गई यीशु मसीह के प्यार की। ऐसे ऐसे आई वॉज लाइक फिल्ड विद दैट तुसनामी ऑफ लव फॉर लॉर्ड, कि वो जो भी चीजें, जो भी अनक्लीन अनगॉडली, वो डीमन जो बचपन से जो चीजें थी, जो काम किए थे वीजी बोर्ड और हर चीज से,
हर चीज खुदावन ने वॉश आउट कर दी. आमेन. इफ यू नीड डिलीवरेंस, ऑल यू हैव टू डू इज यीशु मसीह के दीवाने हो जाएं. और वो जब तुसनामी आती है, जब वो प्यार की तुसनामी आती है, वो हर उस डीमन को वॉश अवे कर देती है. बट दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, क्योंकि खुदावन ने क्लेंस किया, क्योंकि खुदावन का अपना बड़ा पर्पस था. उसके बाद शुरू हुई सेक्रीफाइस की घड़ी लड़ियां. खुदावन ने कहा उसके बाद 3 साल तक बहुत ऐसा टाइम जहां पे बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था, विच टोटली आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक शख्स, हम लोग जो एक ही चीज को पूछते थे इकट्ठे, एंड अचानक से मेरा रास्ता अलग हो गया. एंड गॉड अलाउड एंड मैं आई ब्लेस सभी को. और उसके बाद जब अकेला होना पड़ा 23 जून 2013 में, दैट वॉज अ ब्लेस्ड डे, क्योंकि उस दिन से खुदावंत के साथ बड़ी खूबसूरत जर्नी शुरू हुई. और खुदावंत से कहना शुरू किया, खुदावंत अब मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर दो, क्योंकि अब घर बार नहीं है, बच्चे भी नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं है, अब तो सड़क पे खड़ी हूँ, यूज़ मी फॉर योर किंगडम. वहाँ पे खुदावन ने शुरू किया. सबसे पहले बॉबी, एक लड़का जो 11 महीने से हॉस्पिटल में था, खुदावन ने कहा गो एंड प्रे फॉर हिम. और हर रात को 8:30 मेरी जॉब खत्म होती और 8:30 बजे कभी ट्रिलियम हॉस्पिटल, कभी क्रेडिट वैली, कभी ब्रैम्पटन सिविक, जहाँ पे भी होता, आई यूज्ड टू गो एवरी डे, चाहे बाहर स्नो स्टॉर्म होता, चाहे कुछ होता, क्योंकि खुदावन ने कहा उसके लिए दुआ करनी है. आई वॉज देयर. खुदावन हमें उन छोटी छोटी बातों में हमें टेस्ट कर रहे होते हैं. फिर खुदा बलविंदर को लेके आए जिसको कैंसर था. फिर खुदा ने कहा एवरी डे गो एंड प्रे फॉर हर. एवरी डे आई स्टार्टेड गोइंग टू हर, प्रेइंग फॉर हर, एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ, देन दुआ का घर. और धीरे 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 खुदावंद बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस मांगते गए, कहते कर कर. पिछले साल, एंड आई यू ऑल नो दैट एंड आई लव दैट मोमेंट नाउ, उस टाइम पेन हुआ था जब पिछले साल ऑलमोस्ट जनवरी में, जब खुदावंद यीशु ने मुझे कहा, ही स्पीक सो क्लियरली, आई हियर हिज वॉइस, आई नो इट इज हिज वॉइस. जब खुदावंद ने कहा अब तू अपनी जॉब छोड़, और मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल टाइम्स था. एक बैंक में, एक बिजनेस बैंकिंग में, इतनी अच्छी पोजिशन में, इतना अच्छा इनकम है, सेरा यूनिवर्सिटी में, एंड एवरीथिंग एल्स. एंड जीसस सेड नो, आई वॉन्ट यू टू रिजाइन नाउ. और मैं तो रोती रही 3 दिन तक कि इट वॉज वेरी पेनफुल. और मैंने खुदावन से कहा, मैंने कहा लॉर्ड, इट्स लाइक जैसे मैंने घर छोड़ा था जब बच्चों से अलग हुई थी, वैसा ही दर्द हो रहा है, वैसा ही पेन हो रहा है हार्ट में जॉब छोड़ते हुए. एंड खुदावन की एक आवाज आई, आज छोड़ेगी तो इट विल बी काउंटेड एज सेक्रीफाइस, कल को भी छोड़ना तो पड़ेगा, फिर किसी अकाउंट में नहीं जाएगा. एंड आई वॉज यस लॉर्ड. एंड द थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन तक आई हैड टीयर्स, क्योंकि कुछ छोड़ना और जो आपकी लाइक फाइनेंसेस और आपका, बट दैट वॉज ब्यूटिफुल डिसीजन. आई रिमेंबर मैं वहाँ बैठी थी और मैंने कलाम की बात करते करते होली स्पिरिट टुक कंट्रोल, एंड होली स्पिरिट ने मेड मी अनाउंस कि आई एम क्विटिंग माई जॉब. और अंदर से मोनिका कह रही है, व्हाट आर यू डूइंग होली स्पिरिट, हमने अभी फाइनल तो किया ही नहीं था. एंड आप लोगों ने जिस तरह से रिजॉइस किया कि जॉब छोड़ने की खुशी, एंड आज व्हेन आई गो बैक हम लोग ब्लेस्ड हो गए. आमेन. द अनॉइंटिंग, जो शुरू करी खुदावन ने, क्योंकि खुदावन उस वक्त तक की वेट कर रहे थे, उस टाइम तक तैयार कर रहे थे कि आज ऐसा मसा हो, ऐसा अनॉइंटिंग हो. मैं पीछे कहीं गई, पूनम जी साथ में थे, तो हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे. एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरे तो वो पास्टर जी और उनकी वाइफ हमें रिसीव करने आए, तो वो ऐसे, मैं एयरपोर्ट से, मेरा सूटकेस मेरे हाथ में था, तो वो मेरे हाथ से मेरा सूटकेस लेने लगे. तो बस जो सूटकेस लेते लेते ऐसे उनका हाथ टच हुआ, एंड वो वहीं पे एयरपोर्ट में वहाँ खड़े खड़े वो एकदम ऐसे एनॉइंटिंग से गिरने लगी. उनके हस्बैंड ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया. एंड आई वॉज लॉर्ड वाओ. एंड नेक्स्ट डे
होटल मैंने मूव करना था और मैं अपना बैग लेके आई तो उनकी वाइफ भागती हुई आई, कहती ये सूटकेस मेरे को दोबारा पकड़ाओ, मुझे उसी पावर में दोबारा फेल होना है. वेयर इज दिस पावर कमिंग फ्रॉम? इट्स नॉट माइन, मेरा नहीं है. इट कम्स फ्रॉम हेवन एंड ही डज. जब वो हमारी फेथफुलनेस को देखता है, जैसे जैसे हम खुदावंत के आगे, खुदावंत के अल्टर के आगे सैक्रिफाइसेस को रखना शुरू करते हैं, वो उसके खुदावंत अनॉइंटिंग का मीटर है कोई, वो बढ़ाते जाते हैं. आमीन. तो हम सब मिलके खुदावंत के लिए शुरू कर दें कि खुदावंत जो फाउंडेशन हमारी दुआ के घर की कुर्बानियों के ऊपर रखी है, एंड आप में से बहुत लोग हैं जो साथ चल रहे हैं, जो वफादार हैं, और खुदावन आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े काम आपसे सबसे लेने वाले हैं. आमीन. हम सबसे बड़े बड़े काम लेने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट. आमीन. क्योंकि बाइबल में लिखा है, कलाम कहता है, हीब्रूज इब्रानियों की किताब चैप्टर 1:9 में, यू हैव लव्ड राइटियसनेस एंड हेटेड लॉलेसनेस. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Amen. Isko zara Hindi mein padhenge. Very beautiful blessing. Tune dharm se prem aur adharm se bair rakha. Tune dharm se, tune rasbazi se pyar rakha. Aur adharm se bair rakha. और अधर्म से नफरत करी. ठीक है. बिकॉज यू हेटेड व्हाट इज रॉन्ग. व्हाट इज हेट? बिकॉज यू हेटेड व्हाट इज रॉन्ग. इस कारण परमेश्वर जिसकी अभी महिमा हम कर रहे थे, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा, इज्जत तेरी वधावेगा, याकूब दा खुदा, वो क्या करेगा? तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया. हालेलुया. तेरे साथ जो लोग हैं उनसे बढ़कर तुझे मस्सा करेगा. आमीन. और ये किसके लिए? जो रासबाजी को प्यार करेंगे और लॉलेसनेस को हेट करेंगे, उनको, उनके साथ बड़ी दुनिया होगी. बड़े लोग होंगे जो कहेंगे, हम भी 2013 में यीशु में आए, हम भी आपके साथ आए, हमने भी ऐसा लिया, हमारे साथ भी ऐसा हुआ. बस एक एक कड़ी जोड़ पाएंगे, पर जो खुदावंत के साथ बिल्कुल वफादार होंगे, खुदावंत बढ़ के द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस. आमीन. रिसीव दिस इन द नेम ऑफ यीशुआ टुडे. आमीन. आप सब रिसीव करो, बिकॉज आज खुदावंद बहुत भरने वाले हैं. ही इज गोइंग टू फिल ऑल ऑफ यू टुडे. जो विलिंग है वो आज भरेगा. आमीन. हालेलुया. द अनॉइंटिंग एक हर एक के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर एवरी वन, पर उसके लिए जो सच में उसको डिजर्व करते हैं. और कौन जानता है कौन डिजर्व करता है? वो खुदावंत खुदा है, क्योंकि वो दिलों के अंदर की भी बातें जानता है. एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर मस्सा उतर सकता है. हमने बीते दिनों में हम जब भी अपने बच्चों को यहाँ पे कैलगरी जहाँ पे भी गए, कोई ना कोई बच्चा इस तरह से खुदावंत उसको भरते हैं. खुद मुझे पता है हमने कितनी बार तेल डाले हैं सर के ऊपर, बिकॉज होली स्पिरिट ने कहा इसको अनॉइंट कर. क्योंकि एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर किसी को अनॉइंटिंग मिल सकती है. और इस अनॉइंटिंग की पावर से जब आप शैतान को हुक्म दोगे और वो भाग जाएगा. आमेन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. द अनॉइंटिंग, जब हम मस्से की बात कर रहे हैं, द अनॉइंटिंग ऑफ डेविड, दाऊद के ऊपर अनॉइंटिंग. एक्चुअली आज का कलाम यहीं से आया. आई वॉज रीडिंग 1 Samuel, ये चैप्टर 16, और जब मैं ये पढ़ रही थी, एंड दैट्स व्हेन मेरे रूह के अंदर ये कलाम आने लग गया. जब खुदावंत ने, जब साउल ने खुदावंत नाराज हो गए साउल से,
तो खुदावन ने सैमुअल से कहा, तो खुदावन ने सैमुअल से कहा कि जा, मैंने जेसी के घराने में से उसकी औलाद को चुन लिया है टू बी द किंग ऑफ इज़राइल। अब सैमुअल जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे जेसी का बड़ा बेटा और बड़ा लंबा ऊंचा खूबसूरत, और वो कहते हैं इसको एनॉइंट कर दे। खुदावंद कहते हैं तुम लोग बाहरली अपीयरेंस को देखते हो, तुम लोग बाहर से देखते हो, बट द लॉर्ड लुक्स एट योर हार्ट। तो आपके दिल के अंदर क्या है, खुदावंद उसको देखते हैं। और फिर खुदावंद ने क्या किया, जब सैमुअल ने जेसी से कहा, उसके सारे बेटियां देख लिए, खुदावंद ने किसी को हाँ नहीं की, तो जो उसने कहा कि क्या तेरे सारे बेटे यहाँ आ गए, तो उसका बाप कहता नहीं, एक है वो भेड़े चढ़ा रहा है। हाँ, क्योंकि हम किसी की वैल्यू, वी वैल्यू पीपल उनके स्टेटस से, उनकी शक्लों से, उनकी सूरत से, पर खुदावंद ने दाऊद को तो पहले चुन लिया था। आमीन। और हम में से बहुत हैं जो ऑलरेडी द चोजन वंस हैं टू वर्क फॉर हिज किंगडम इन बिग टाइम। बस अपने आप को यीशु की मर्जी के साथ अलाइन कर दें ताकि वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर से बहनी शुरू हो जाए। आमीन, हालेलुया। और जब दाऊद आता है, ही वॉज रेडी, हैज ब्यूटिफुल आईज एंड वॉज वेरी हैंडसम, बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत लगता था, और खुदावंद ने कहा अराइज एंड अनॉइंट फॉर दिस इज ही। और सैमुअल ने क्या किया, सैमुअल ने तेल लिया और उसको नरसिंगे में भरा और दाऊद के ऊपर उठेल दिया। हालेलुया। खुदावंद ये नहीं देख रहा, ये क्या, ये तो गैर कौम से आई है। खुदावंद ने ये नहीं देखा, ये तो गैर कौम से आई है। खुदावंद ने ये भी नहीं देखा, ये तो वुमेन है। खुदावंद ने नहीं देखा, खुदावंद ने दिल को देखा, क्योंकि ये पता था कि ये यीशु की दीवानी बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। ये पता था, काट दो, मार दो, कुछ मर्जी कर दो। आज भी मैं वर्शिप में खुदावंद से कह रही थी, खुदावंद सच में, खुदावंद जान भी ले, अब भी चली जाए, बस आपके साथ हर सांस आए, अब भी अगर चली जाए, आई डोंट नीड दिस दुनिया, कुछ नहीं। आई, मेरी आंखें, मेरी निगाहें सिर्फ मेरे यीशु को ढूंढती हैं, एंड अगर रहना है तो हर सांस खुदावंद के काम आ जाए। आमीन, हालेलुया। और खुदावंद ने उसको ब्लेस किया, एंड कलाम में लिखा, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रश्ड अपॉन डेविड फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड। ये वर्ष था, दिस वर्ष, इस वर्ष पे मैं थी जब मुझे खुदावंद ने कहा ये कलाम है संडे का। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रश्ड अपॉन डेविड, रूह खुदावंद का भर गया। बट क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद, राइट अवे वो राजा नहीं बन गया। जैसे ही अनॉइंटिंग आई, राइट अवे उसको किंग की कुर्सी पे नहीं बिठा दिया गया। अनॉइंटिंग पहले होती है, स्पिरिचुअल रेल्म में चीजें पहली होती हैं, उसके बाद वो फिजिकल रेल्म शुरू हो जाता है। आमीन। एंड दिस इज आवर लॉर्ड, आवर गॉड। फर्स्ट सैमुअल 2:7 कहता है, खुदावंद जिसको ऊंचा चढ़ाना चाहे, द लॉर्ड मेक्स पुअर एंड मेक्स रिच, ही ब्रिंग्स लो एंड ही एग्जॉल्ट्स। आमीन। राहुल इस वर्ष को पढ़ेंगे, इसको रिसीव करें, क्योंकि आज अगर कोई आपको आपकी जिंदगी में कहीं पे भी शर्मिंदा कर रहा है, खुदावंद के पास पावर है कि किसी को भी ऊंचा उठा देने की। आमीन। वो गरीब को वो नीचे जमीन से उठा के ऊंचा ऊपर अपने तख्त के साथ अपने साथ बिठा देता है। आमीन। एंड दैट एग्जाम्पल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक वक्त वो था जब खुद खाने के लिए नहीं था और सच में खाने के लिए नहीं था, और आज खुदावंद के तख्त में खुदावंद के साथ खड़े होके हम क्लेम कर पा रहे हैं 24/7 खाना चलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा है जो उठा के खड़ा करता है। इट्स लॉर्ड।
किसी दुनिया के इंसान की तरफ मत देखें, अपनी नजर खुदावंद यहवे के ऊपर रखें, वो उठा उठाता है। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने एक ऑर्डिनरी से एक शेपर्ड बॉय डेविड को लेके उसको इज़राइल का राजा बना दिया। आमीन। और ये कैसे हुआ? उसे एनॉइंटिंग के थ्रू हुआ। एनॉइंटिंग कहां से आई थी? खुदावंद से आई थी। आने वाले दिनों में हैकल में खुदावंद ने बड़ा इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए एनॉइंट होने को तैयार हो, ताकि वही जो खुदावंद हमारे अंदर खूबियां चाहता है वो हमारे अंदर भरती जाए। आमीन। देयर इज पावर इन द अनॉइंटिंग एंड इट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। पाकरू है जो उस एनॉइंटिंग को भरता है, और मांगे पाकरू अपना मस्सा मेरे ऊपर भर। राइट नाउ ही इज हियर टू फिल यू, ही इज हियर टू फिल यू। बहुत सी ये दुनिया झीली, बहुत सी दुनियावी जिंदगी को झीलिया। नाउ इज द टाइम एज फॉर योर स्पिरिट अपॉन मी, पोर योर एनॉइंटिंग अपॉन मी। आमीन। मांगे मांगे, और खुदावंद के पास कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट। जॉन 3:34 कहता है गॉड गिव्स द स्पिरिट विदाउट एनी लिमिट। भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। पर एक बात को याद रखें, एनॉइंटिंग से पहले कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ चीजें हैं जो खुदावंद आप में ढूंढ रहे हैं। ही इज लुकिंग फॉर दोज थिंग्स इनसाइड अस, ताकि वो अपनी एनॉइंटिंग से आपके ऊपर उढ़ेलने से पहले, आपको उस जगह लेके जाने से पहले आपको तैयार कर रहा है। पाकरू, मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर। यीशु को पता था कि जब उन डिसाइपल्स के ऊपर होली स्पिरिट आएगा, जब वो प्रॉमिस फुलफिल होगा, तो डिसाइपल्स, दोज 12 डिसाइपल्स, बाद में 12वां ऐड हुआ, वो 12 डिसाइपल्स पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम फैला देंगे। आमीन, हालेलुया। एंड एक्ट्स 1:8 कहता है यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू। एंड आज हमारे डिलीवरेंस में, हम हीलिंग में इतनी मिरेकल्स को हम देख रहे हैं, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर कोई जो खुदावंद के घर में काम कर रहा है, जो इस तख्त को सजाता है, जो एंटर करता है, जो खाना सर्व करता है, जो डिलीवरेंस के लिए है, चाहे वहां पे खड़े होके ग्रीट कर रहे हैं, एवरीवन needs to be born again, everyone needs to be spirit filled and anointed. आप लोग जब आते हैं, सभी को वो जाए इसको छूते हैं, कम्युनियन तैयार होता है, हर हाथ ब्लेस किया जाता है, हर मीडिया के बच्चों को, इनके हाथों को अनॉइंट किया जाता है, ताकि इनके हाथों से सिर्फ मस्सा जाए। आमीन। देयर इज अ पावर, देयर इज पावर। यशाया 61 कहता है जब यीशु मसीह हैकल में गए, सबत का दिन था, उनके हाथ में स्क्रॉल पकड़ाई गई, और यशाया 61 का 1-3 यीशु के हाथ में था, और यीशु ने उसको पढ़ा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज द लॉर्ड हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच गुड टाइडिंग्स टू द पुअर। जब तक मस्सा नहीं है, यीशु मसीह ये बात अपने लिए कर रहे थे कि वो अनॉइंटिंग, कि ही इज अनॉइंटेड टू प्रीच। आज मांगे, अपना हाथ ऊपर बढ़ाएं, खुदावंद मुझे आपका कलाम फैलाने के लिए, मुझे अपना कलाम बांटने के लिए, मेरे हाथों को मस्सा करें, मेरी जबान को छुएं, मेरी सोचों को छुएं, मुझे मस्सा करें, अनॉइंट करें, ताकि हम सब मिलके 100 मिलियन सोल्स को खुदावंद की बादशाहत में लेके आने का वसीला बन सकें। आमीन। रुक जाओ। आमीन।
आमीन आमीन। बिकॉज यही हमारा काम है, इंसान को बनाने का मकसद यही, हमारा हमें अनॉइंट करने का मकसद यही, ताकि हम यीशु मसीह की किंगडम को भर सकें। आमीन हालेलुया। पॉल एक बात करते हैं कलाम में, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, एंड दैट वॉज द पॉल सीक्रेट। पॉल का जो सीक्रेट था सेटिस्फैक्शन का, वो उनके मस्से में था। क्योंकि जब मस्सा आ जाता है खुदावंत का, तो आपकी आपको दुनिया की चीज़ें सताती नहीं, आग जलाती नहीं, पानी डुबोता नहीं, क्योंकि खुदावंद उसके कैरेक्टर को ही बदल देते हैं। आमीन हालेलुया। खुदावंद सिचुएशंस आग का कैरेक्टर बदल देते हैं कि वो एक बाल तक नहीं जलता। हालेलुया। पॉल फिलिपियंस 4:11-13 में कहते हैं, आई हैव लर्न्ड टू बी सेटिस्फाइड इन माई सर्कमस्टेंस, आई नो वॉट इट मीन्स टू लैक एंड आई नो वॉट इट मीन्स टू एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग अबंडेंस। राहुल अगर आपने निकाला, इसको पढ़ेंगे फिलिपियंस 4:11-13। दिस वी कैन कम टू दिस लेवल जब हम खुदावंत के मस्से से भर जाएंगे, खुदावंत की भूख और प्यास से भर जाएंगे, कोई भी सिचुएशन हमें पीछे नहीं कर पाएगी, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट, कोई बीमारी, कोई हालात, कोई हमें कोई अगर रिजेक्शन आई, तो हम यीशु से पीठ नहीं मोड़ लेंगे। हाँ, साथ ही साथ क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यीशु कितने हैं तू, डू यू इवन सी मी, वो उसकी आंखें पूरी यूनिवर्स को देखती हैं। आमीन हालेलुया। उसकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, ही सीज एवरीथिंग। पढ़ेंगे, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। yes. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आपका कोई भी जो सिचुएशन है, कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं है जिसको खुदावंद हटा ना सके। मानिका सहज पर अगेन, आई नो आज कैसा भी है, बट खुदावंद ने जो काम आपकी जिंदगी में किया है, व्हाट लॉर्ड हैज डन इट इन 7 years, जो 7 years तक व्हील चेयर और पेन में और जो हालत हमने उन तस्वीरों में देखी, व्हाट यू वर गोइंग थ्रू, और पिछले 2 सालों में, उन 2.5 सालों में रजनीश जी यहां आके उसी तरह नरसिंगा बजाते रहे। ही वॉज सिचुएशन वॉज पेनफुल। आपकी वाइफ 7 सालों से बिस्तर के ऊपर हो, सिचुएशन वॉज पेनफुल, बट उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। ही नेवर कंप्लेन्ड, ही नेवर कॉल्ड मी इवन वंस कि मैं तो बड़ा दुखी हूं, इन्ने नरसिंगे बजाले पर खुदा ने आज तक नहीं सुनिया। ही नेवर सेड एनीथिंग। ही वॉज हेयर एट 3:30। हम सबसे पहले बाहर आ जाते हैं कि पहले आके मैंने यीशु को जफ़ी डालनी है। Isn't that beautiful? Because I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? और फिर खुदावन क्या देता है? फिर ऐसा beautiful जवाब देता है कि मानिका सहजपाल एक ही दिन में खुदावन कहते, ले मेरे हाथ, खड़ी हो जा, और वो खुदावन के उन हाथों को लेके खड़ी हो जाती हैं, चलने लग जाती हैं, सीढ़ियां चलने लग जाती हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू आवर किंग। थैंक यू लॉर्ड, दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज यू लॉर्ड। हम आपकी ग्लोरी को देखते हैं, हम आपकी महिमा को देखते हैं। वी सी योर ग्लोरी लॉर्ड, वी सी योर ग्लोरी, we see your glory and we want to witness your glory more and more and more and more. Hallelujah. Khudavand badi barkat de,
बड़ी बरकत दें एंड खुदावन दें हम सबको अनॉइंट किया है, हम सबको अनॉइंट किया है, खुदावन ने अनॉइंट किया, क्योंकि जब अनॉइंटिंग नहीं होती, जब यीशु मसीह नहीं थे, मसा नहीं था, तो हमारी थॉट्स, हमारे काम, हमारे रिलेशनशिप, हर चीज में खालीपन, हर चीज में एम्प्टीनेस, कभी दिल, कभी सेटिस्फैक्शन एक पीस में नहीं होता था, एंड आज इतना हमारा पीस से भरा दिल, वी आर सो कंटेंट टुडे, कोई हमें दौड़ नहीं है, कोई हमें कोई ऐसी दुनिया की किसी भूख प्यास से परे कर दिया, अपनी भूख प्यास लगा दी, आमीन। अगर आप भी कंटेंट होना चाहते हैं, यू नो, एक जो मस्से से भरा इंसान है, उसकी कंपनी में रहना, उसके साथ रहना, वो आपको पीस से भर देता है। जो मस्से से भरा इंसान होगा, जो एनॉइंटिंग से भरा होगा, जैसे ही आप उसके करीब आएंगे, आप के अंदर पीस आने लग जाएगी, आप जॉय से भरना शुरू कर जाएंगे, एंड ये एनॉइंटिंग आपको पावर, आपको अथॉरिटी, आपको एबिलिटी, आपको हर चीज प्रोवाइड करती है, सेटिस्फैक्शन देती है। जैसे कि दाऊद जबूर 63 में लिखते हैं, जबकि वो ही वॉज रनिंग फ्रॉम साउल, साल से भागते हुए विल्डर्नेस में, उन गुफाओं में छुपते हुए, क्योंकि वो उसके दुश्मन बना हुआ था, कुछ ऐसा नहीं किया था दाऊद ने कि जो वो परसिक्यूशन डिजर्व करते, जैसे हम में से कई लोग परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं यीशु की वजह से, यीशु के नाम की खातिर, बट रिजॉइस, खुशी मनाएं अगर आपको लोग यीशु के नाम से सताते हैं, आमीन, खुशी मनाएं। ही वॉज सो फेथफुल टू साउल, बट वो भागता फिर रहा था, और उस टाइम व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज वर्शिपिंग गॉड, ही वॉज राइटिंग साम्स, और वो साम लिखता है, साम 63:5 में लिखते हैं, द अनॉइंटिंग ऑफ योर प्रेजेंस सेटिस्फाइज मी लाइक नथिंग, आमीन, हालेलुया। हालात बड़े खराब हैं, पर खुदावंद के कदमों में जब यहां बैठे होते हैं, उसका मस्सा हमें इस तरह भर देता है कि हमें कोई दुनिया की तकलीफ तकलीफ नहीं लगती, हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, क्योंकि एनॉइंटिंग हमारी रूह को भर देती है। यशाया 10:27 कहता है, जो मस्सा है ये हमारे बंधनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो स्लेवरी का बोझ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हम मस्से को, जब हम एनॉइंटिंग के साथ अपनी ड्राई जगहों पे, सूखी जगहों पे ऑयल को रिलीज करते हैं, वो क्या करता है, इट टर्न्स एशेज इनटू ब्यूटी, आमीन, हालेलुया, इट टर्न्स एशेज इनटू ब्यूटी। सामिया, मुझे अभी याद आया, दिस वॉज रेजरक्शन संडे, रेजरक्शन संडे की जब वर्शिप चल रही थी, इतना ब्यूटिफुल मस्सा था, जब बाद में हम वर्शिप कर रहे थे, एंड होली स्पिरिट स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, खुदावंद होली स्पिरिट इतनी ब्यूटिफुल मुझे बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे आकर बैठ गई, एंड वो जो बातें चल रही थी वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी। ही वॉज पोरिंग हिज ब्लेसिंग्स, और ऐसी गहरी बातें थी, आई विल शेयर डेफिनेटली इन फ्यूचर, बट उसका एक प्रूफ बताऊंगी व्हाट हैपेंड दैट डे। मैं नॉर्मली उस साइड में जाके अक्सर बैठती हूँ, दैट वॉज माई फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आके बैठी, मैं यहाँ पे थी, सामिया, पूनम जी और ये सब लोग इधर आगे बैठे थे, बिकॉज आई नो वो होली स्पिरिट किस तरह से, I was in that receiving zone, क्योंकि वो ऊपर से पोर कर रहे थे, सामिया इधर खड़े खड़े एकदम जोर से नीचे गिरी, she fell, मुझे एकदम लगा कि सर कहीं, पहले बेंच था लकड़ी का, कि उसमें सर ना लगाओ, साथ में पूनम जी, साथ में रिंकल, और यहाँ पे खुद बे खुद, I didn't say anything, but I knew उस वक्त होली स्पिरिट क्या बात मुझसे कर रहे थे, क्या चीज वो कर रहे थे, and they started getting filled just because I knew that power was so powerful at that time, कि वो लोग सिर्फ क्योंकि वहां खड़े थे और उससे भरने लग गए, amen, उसके बाद से you're not same, you've been filled with more anointing,
जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, क्योंकि हम खुदावंत की उस प्रेजेंस में हैं, खुदावंत हमें भर देते हैं. आमेन, हालेलुया. जो एनॉइंटिंग है वो गारंटी देती है कि हाग हैकल आ गई है. हालेलुया. एनॉइंटिंग हमें गारंटी देती है आप भी रिसीव करें. वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर, वॉट एवर हैज बीन रिजेक्टेड इन द पास्ट, खुदावंद वो दरवाजे खोल रहे हैं, खुदावंद भर रहे हैं, खुदावंद भर रहे हैं. विक्ट्री, ब्लेसिंग, अ सेटिस्फाइड लाइफ, जो बिल्कुल तृप्त जिंदगी खुदावंद के रिवॉर्ड है. आमेन, हालेलुया. द ट्रांसफर ऑफ एनॉइंटिंग, एनॉइंटिंग ट्रांसफर भी होती है, पर कैसे होती है? जैसे खुदावंद ने मूसा से कहा, इट इज गॉड, इट्स यहवे, ही हैज द राइट टू ट्रांसफर. उन्होंने क्या कहा मूसा को? नंबर्स गिनती 11 के 17 में, एंड गॉड सेड आई विल कम डाउन एंड टॉक विद यू देयर. क्योंकि अभी मूसा अकेले हैं, साढ़े छह लाख तो सिर्फ आदमी है, एंड देन बच्चे एंड और जेनरेशन भी आगे बढ़ती गई, एंड मूसा अकेले उनको जज कर रहे हैं. एंड खुदावंद ने कहा, आई विल कम डाउन एंड टॉक विद यू देयर, एंड आई एम टेलिंग यू आई वॉज सिटिंग हियर एंड ही केम डाउन एंड ही वॉज टॉकिंग. और बहुत पावरफुल बातें खुदावंद ने कही. एंड आई विल टेक सम ऑफ योर स्पिरिट, ध्यान से इसको सुने, एंड आई विल टेक सम ऑफ योर स्पिरिट दैट इज ऑन यू, पुट इट ऑन देम. खुदावंद ने कहा कि मैं नीचे आऊंगा, तू 70 बुजुर्गों को इकट्ठा कर लेना, और मैं तेरी रूह में से कुछ हिस्सा निकाल कर उन 70 बुजुर्गों के ऊपर उढ़ेल दूंगा. खुदावंद के पास कमी नहीं है अनॉइंटिंग की, खुदावंद के पास कमी नहीं है, वो अपने हेवन से किसी को भी कहीं पे भी दे सकता है. पर खुदावंद ने, व्हाई डिड गॉड से कि मूसा को मैं तेरी रूह में से कुछ दूंगा, खुदावंद अब से लेके उस वक्त तक मूसा को तैयार कर रहे थे. खुदावंद ने मूसा को उस टाइम तक, उस टाइम के लिए तैयार किया, उनको लीडर ठहराया, ताकि और उनकी जो, देयर इज वन थिंग वी विल कम बैक उसमें अभी सुन, कि क्या था मूसा में जो खुदावंद ने कहा तेरी रूह का हिस्सा, तेरी रूह में से कुछ पोर्शन निकाल कर 70 बुजुर्गों में डाल दूंगा. मूसा को कमी नहीं होनी थी, और देने से और बढ़ जाती है. आमेन. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मोसेस ने उन सबको, 70 बुजुर्गों को इकट्ठा किया, दे वर ऑल देयर, एंड दैट्स व्हेन लॉर्ड केम डाउन इन द क्लाउड एंड स्पोक टू हिम एंड took some of the spirit that was on him and put on the 70 elders. Amen. This is real. This is real. Aise hota hai. Khudavand karte hai us transfer ko. Aur ab hum us anointing ko receive karein. Ab kya tha Musa ke andar? What is Moses the most famous for? Humbleness. The most humble man to walk after Jesus ke baad, agar koi humble tha, wo the Moses. Moses was the most humble man. To aaj hum dekhi, ab tayar hai us anointing ke liye? You are ready to receive anointing? Are you ready to sacrifice as well? Khudaan kuch bhi keh sakte hain. Isliye soch samajh ke. Don't get emotional and say yes. Don't say, क्योंकि खुदावंद कुछ भी कह देंगे, तो इसलिए जब आप सच में रूह से तैयार हैं तब हाथ ऊपर करना. क्योंकि anointing कितनी आएगी, कैसे आएगी, वो आपकी willingness के ऊपर है, कि how much you want to receive.
Lord, I want more of you. That's my prayer every morning. Mujhe aur chahiye, aap aur chahiye. And more of Lord is more of everything. More of Jesus is more of everything. Abundance of everything. Kyunki Matthew 5 ka 6 kehta hai, mubarak hai wo jo kiski bhook aur pyaas rakhte hai, rastbazi ki. वो तृप्त किए जाएंगे. इफ यू हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस, कम टू द ऑल्टर. कम टू द ऑल्टर. आज खुदावंत के सामने रास्तबाज होने के लिए आएंगे. आज खुदावंत के सामने रास्तबाज होने के लिए आएंगे कि खुदावंत, मैं आपकी राइचियसनेस से भरना चाहता हूं. मैं आपकी राइचियसनेस से भरना चाहता हूं. रमन जी, आई वॉज रिजॉइसिंग इन द मॉर्निंग. मुझे पता है खुदावंद आज बहुत बहुत बड़ी चीज आपकी जिंदगी में करने वाले हैं. यू बी रेडी, यू बी विलिंग, बिकॉज दुआ का घर, दुआ के घर का फाउंडेशन क्या है? व्हाट इज दिस दुआ का घर स्टैंड्स ऑन? किस चीज की भूख है हमें? हम खुदावन आपके बस चमत्कार देखना चाहते हैं. बड़े सारे चमत्कार मैंने पीछे भी बताए थे. वो कुर्सी पड़ी, उधर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है कोई, ऐसे ऐसे बैठा दिया और तड़प तड़प गिरते जा रहे हैं. हाँ, दैट्स नॉट अनॉइंटिंग. दैट्स ईवल स्पिरिट जो उनको पकड़ रही है और उनको गिरा रही है. That's not anointing. ये मेरा पेन पकड़ो, मैंने क्योंकि छू दिया. अब आप इस पेन को छूओगे, देखना कैसे, like I don't want to even say, फिर कैसे तड़पोगे evil spirit से. और कहा जाता है anointing wrong है. ये मेरा बैग पकड़ो, हाँ, ये मेरा बैग पकड़ो और देखो अभी anointing भरेगी. उस बैग में demons निकल रहे हैं, वो demons से फिल हो रहे. That's not anointing. Anointing comes from heaven. अभी एक नया latest मुझे पता दिखा, वो एक उसे तकिया भी तैयार हो गया है. तकिया तैयार हो गया है. ये मैं सोई थी इसमें रात में, ले लो है, anointing आ जाएगी. Anointing doesn't comes like that. You got to kneel down. You got to ask. You got to hunger for that. You got to thirst for that. You got to sacrifice for that. Tab aati hai. Us anointing ke liye. Kyunki if you are here, खुदावंद मुझे मस्सा करे, तो ये मस्सा आपको अभी वो powerful name और fame और वो नहीं देने वाला अभी. If you have come for that, it's not gonna happen. उसके लिए नहीं है. क्योंकि दुआ का घर, वी आर फॉर सेल्वेशन. आमेन. दिस इज फॉर सेल्वेशन, ताकि आप छुए जाएं और जाके गुड न्यूज प्रीच करें. आमेन. ताकि आप लेके आए लॉस्ट वंस को, ताकि उनको बपतिस्मे दिए जा सकें. ये एनॉइंटिंग जो आज मिलने वाली है, ये होली स्पिरिट से भरने वाली है, कि होली स्पिरिट से भरने के लिए तैयार हो. होली स्पिरिट के गिफ्ट नहीं, मुझे ये दे दो, ये दे दो. होली स्पिरिट के फ्रूट से, द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट. इफ यू आर हियर, यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन गो बैक, बिकॉज इट्स नॉट गोना गिव यू नेम फेम, बट इट विल गिव यू इटर्नल लाइफ फॉर श्योर. ये अनॉइंटिंग आज आपके अंदर यीशु मसीह के प्यार को भर देगी. हालेलुया. ये अनॉइंटिंग यीशु मसीह के प्यार से भरेगी. क्योंकि देयर इज ओनली वन थिंग, यीशु मसीह इस दुनिया में आए प्यार. यूहन्ना 3:16 में लिखा, खुदावन ने इस जहान से इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता वार दिया, कि जो भी उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. This anointing today will fill you with humbleness. Humbleness. जब कोई दरवाजों से अंदर आएगा,
आप हम्बल होके, आप झुक के, क्योंकि खुदावंद बहुत बढ़ाने वाले हैं। पर आप ये नहीं कहोगे हम तो बड़े पुराने यहाँ पे खड़े हैं, हमारे अंदर ये गंदी बदरू प्राइड की नहीं आएगी, हम हम्बल होंगे। जब खाना सर्व होगा झुक के सर्व करेंगे, झुक के सर्व करेंगे, प्यार से सर्व करेंगे, अपनी गराई में से निकाल के उनको दे देंगे। दिस इज व्हाट गॉड इज एस्किंग टुडे, हम्बलनेस, हम्बलनेस, कंपैशन से भरेंगे आज हम दिस एनॉइंटिंग। इस एनॉइंटिंग से तड़प तड़प इधर उछलोगे नहीं, ये आपकी रूह को भरेगी, ये आपकी रूह के अंदर उतरेगी एनॉइंटिंग, और उतर रही है राइट नाउ। यू रिसीव, यू रिसीव, यू रिसीव इन द नेम ऑफ यीशुआ। ये एनॉइंटिंग आपके अंदर लूका 10:19 की पावर को रिलीज करेगी, सांपों बिच्छुओं को कुचलोगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी चीज आपके आपको नुकसान नहीं दे सकेगी। हीलिंग एंड डिलीवरेंस, दिस इज द ट्रू अनॉइंटिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस। और वो इसलिए ताकि यीशु मसीह की महिमा हो, वो इसलिए ताकि यीशु मसीह के नाम को जाने, ताकि लोग हमारी जिंदगी को देखें और बाप को महिमा दें। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग इसलिए ताकि यीशु की बादशाहत को बढ़ाने में अपना हिस्सा दे सकें। हमारा नेम फेम नहीं होगा, आपको शायद लोग नहीं जानेंगे, पर खुशी इसमें करना कि यीशु मसीह ने मेरे नाम को पुकारा है। हालेलुया। खुशी इसमें करना कि यीशु मसीह ने अपनी दोनों हथेलियों में खुशी इसमें करना एरल मेरा वॉल्यूम ऊंचा करना खुशी इसमें करना कि यीशु मसीह ने अपने दोनों हथेलियों में आपकी तस्वीरें खोद रखी हैं। हालेलुया। खुशी इसमें करना कि वो आपको इतना प्यार करता है, वो कहता है, वो कहता है तुम्हें कोई छूना, कोई तुम्हें छुए ना, क्योंकि जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूने के बराबर है। ये एनॉइंटिंग इसलिए, ये एनॉइंटिंग इसलिए कि यीशु मसीह का प्यार मेरी रूह से, मेरी एक एक धड़कन से, मेरी एक एक सांस में यीशु का प्यार भर जाए। ये एनॉइंटिंग इसलिए ताकि जब आप घर जाएं, आपके परिवार वाले भी आपको यीशु से भरा हुआ देखें। ये एनॉइंटिंग इसलिए कि लोग कहें तू तो बदल ही गया अनुज, तो काम पे आया तू तो बदल ही गया, ये अनुज तो अब ब्लेस यू कहता है, ये तो बदल ही गया। ये एनॉइंटिंग इसलिए ताकि खुदावंद हमें विजडम दे। ये एनॉइंटिंग इसलिए कि रूहों को परख सको। मत भागो चिड़ चमत्कारों के पीछे, भागना है तो यीशु मसीह के पीछे भागो। मोसेस, द मोस्ट हम्बल मैन, द मोस्ट हम्बल मैन, उसको इतनी लोग कहते, वो कहता खुदा ये तो मुझे पत्थर मार देंगे, पर इनको माफ कर, इनको कुछ कहने से पहले तो मुझे मार दे। कौन सा लीडर, कौन सा खादिम है जो कहता है खुदावन इनके पापों को, अगर तूने इन्हें पाप दे रहा मुझे दे दे, मुझे भी मार दे। मूसा सेड दैट। आज की जो एनॉइंटिंग है, एनॉइंटिंग ऑफ हम्बलनेस है, आज हम्बल होने के लिए, क्योंकि खुदावन हमें तैयार कर रहे हैं बहुत बड़े काम के लिए।
होली स्पिरिट मेरे ऊपर भर जा, पोर योर एनॉइंटिंग ऑन मी होली स्पिरिट. Holy Spirit, pour your anointing upon me. Pakru, apna massa mere upar kar. Ye Sunday school se bachon ko leke aao. They need to be anointed. Wo bhi bharte jayein. Bharte jayein. Bharte jayein. ये जो ऑयल है एनॉइंटिंग ऑयल, इसमें बड़ी दुआएं की हुई हैं, इसमें बहुत खुदावंद का मस्सा है. पीछे बड़े दिनों से आपको दिया नहीं ताकि आप उसकी वैल्यू कर सको, क्योंकि सच में हमने डिलीवरेंस में देखा किस तरह से डीमन कहता इस तेल को मेरे पास मत लेके आओ और छटपटाता रहा. आज आप सबको आज फ्रेश फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, फ्रेश एनॉइंटिंग, वो आज ऑयल आप लेके जाएंगे. दैट बट आपका फोकस उस ऑयल के ऊपर नहीं है, आपका फोकस यीशु मसीह के ऊपर रहेगा. एंड वो एनॉइंट ऑयल का मस्सा आपके ऊपर उतरता रहेगा, उतरता रहेगा. Yes, hallelujah. पलकों के दरवाजे से मैं चादर की तरह दिल के अंदर ये गाता ये गाता. पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, दिल है मेरा यीशु जी अब तेरा ही तो मंदिर. मेरा यीशु जी अब तेरा ही तो मंदिर. अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लूं. तुझे जाने ना दूं, आँखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दूं, आँखों को बंद कर लो कर लो, आँखों को बंद कर लो, आँखों को बंद कर लो कर लो, आँखों को बंद कर लो, आँखों को बंद कर लो. संगीत में
संगीत धर लूं। प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट एंड होली स्पिरिट कह रहा है सबको अनॉइंट करना है। एवरीवन इज गोइंग टू गेट अनॉइंटेड। ठहरे रहना क्योंकि इसी अनॉइंटिंग में वी विल हैव बैप्टिजम्स राइट नाउ। जो बैप्टिजम्स लेने वाले हैं कम फॉरवर्ड, आ जाएं। पहले आई एम गोना अनॉइंट यू, कम फॉरवर्ड, इधर आ जाएं, इधर आगे आ जाएं। जो बैप्टिज्म ले रहे हैं, जो हालेलुया, खड़े हो जाएं, आए। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, बसा है आंखों में मेरी, आंखों को बंद कर लूं। यीशु तुझे जाने ना दो, हो ना जाने दो, यीशु तुझे जाने ना दो, यीशु तुझे जाने। Hallelujah, 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 hallelujah.
दिल के अंदर तेरा ही तो बंदे अपने हर कण-कण में दिल की हर धड़कन में अपने हर कण-कण में दिल की हर धड़कन में अपने हर कण-कण में दिल की हर धड़कन में कन में रख लो यीशु तुझे जा मेरा दोस्त हालेलुया वी हैव मोर बैप्टिजम्स यस हमारा यूथ हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू आपके नाम से ये बच्चे आज अनॉइंट होते हैं ताकि आपकी किंगडम को देखूं अब मैं जिधर आऊं तुझको उधर
तुझे जाने Pastor Ralph, we all together come in agreement and we pray for your long life, for the blessing over your life, for Sister Rita, for you, for Humberly, for every member. This place is filled with anointing, and everybody who walks in through these doors gets touched by this anointing. Hallelujah. Father God, let your power... Hallelujah. Oh. This is the humbleness we all ask, Lord. We all ask, Lord. Kudaman. Hallelujah. Hallelujah. Humble at the feet of Jesus. Pastor Ralph, hallelujah, hallelujah. Khudaman, hame humble bana, hame humble bana. Hame si tarah, Khudaman, aapke saamne hamesha jhuke rahe. Hallelujah. Pastor Ralph, let's pray for this congregation. For the entire universe, for every believer around the globe to be saved, to be filled with the anointing of humbleness. We pray and we bring every pastor, every man of God, woman of God at the feet of Yeshua. Lord, let your anointing of humbleness fall on everyone. Make everyone humble, Lord. Hallelujah. 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 Father God. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. There's so much power of Holy Spirit in this place. Everywhere. Everywhere. आप कितनी भी पीछे क्यों ना बैठे हो, आप अपने ऑनलाइन क्यों नहीं देख रहे हैं, get filled in the name of Yeshua. क्योंकि बाप के घर से कोई खाली नहीं जाएगा. Oh Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for this powerful moment, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. 100 million souls for Lord's kingdom and more and more. Agar abhi bhi aapne baptism nahi liya, this is the moment. This is the day. Get baptized now. We have all the arrangements. Sab kuch hai. Kapde hai, towel hai, sab kuch hai. Apne dil ko tayar karein. Is pure pani ke immersion ke liye. क्योंकि जब तक पूरी तरह से हम उस पानी के अंदर नहीं जाते तब तक बपतिस्मा नहीं है. दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज कॉलिंग यू. यशुआ इज कॉलिंग यू फॉर हिज किंगडम. गेट बैप्टाइज इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट. हालेलुया हालेलुया. अपने हार्डनेस ऑफ हार्ट को निकाल दें, निकाल दें. Let the hardness of heart be gone. Nikal jaye. Raspazi ko pura kare. Is waqt farishte. You know the angels in heaven right now. Zindagi ki kitab khole huye hai. And they are holding that pen. Jisse aapka naam likhenge. Aur jaise hi aap raspazi ko pura karte hai. Us pani se bahar aayenge. Aapke naam likhe jayenge. Aur uske baad. Phir dusri raspazi hai. मुकाशवा प्रकाश की पोती रेवलेशन चैप्टर 2:10 जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यस फादर.
thank you, Pastoral. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, yes, yes, thank you to everyone, जो खुदावन के भूखे और प्यासे हैं, जिसके कारण हम सब भर जाते हैं. This is all of you together, this beautiful दुआ का घर, this beautiful church, जहाँ पे खुदावन तख्त लगा लेते हैं. Hallelujah. You want to say something? Hallelujah. ये भेड़ गिर गई, इसको खड़ा. Hallelujah. 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 I don't want us to get lost in this because it's so beautiful, but God has given you unique people, yes, and unique talents and gifts, and there is going to be a continued blowing of the Holy Spirit in this place, and it's going to affect our other churches that meet here, and it's going to affect everything that is happening, because God is ready to do a great work. Yes. Oh yes, it's His time is here. Hallelujah. Hallelujah. And yes, if you haven't been baptized, just believe that that's the next step. That's what you need to do. We want to just pray for everyone. Lord, tonight is, oh, thank you. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Lord, thank you, Jesus. Now we thank you for your handmaiden, Lord, who kneels here humbly, reaching out to touch the world with the gospel of Jesus Christ. Thank you, thank you. Anoint and bless, fully flow among us, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, may each person that has the thought of baptism tonight, let them have the courage, let them have the boldness, but also let them have the hunger that they need more of you. And Lord, you will touch every life that takes the baptism tonight. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you so much, Pastor Ralph. We receive all the blessings in Yeshua mighty name. Ek barish ki tarah. Hallelujah. Thank you, Jesus. जो जो चाहते हैं अनॉइंटिंग सबके ऊपर. थैंक यू. बैप्टिज्म के लिए चलें. यस यस पास्टर, यस फॉर द बैप्टिज्म. हालेलुया. यस फादर, यस बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान. बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान. हो दुगना और ताजा चादर के समान. बारिश की तरह एक अग्नि के समान फिर जाए मुझ पे एक चादर के समान. हो दुगना और ताजा ओ भी
मैं देख सकूं तेरी बातों को, मैं सुन सकूं तेरी नजरों से, मैं देख सकूं तेरी बातों को, मैं सुन सकूं एक ऐसी सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, कर दे मुझ पे यीशु, कर दे मुझ पे यीशु, भर दे मुझको यीशु, भर दे मुझको यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी चादर के समान हो दुगना most beautiful moment of baptism pani dena jab baptism hota hai to badle hue anus bahut sari blessing is ye pani nahi hai khali ye sach mein khudavand ke lahu se dhulna ho jata hai पाक रूह से भरना हो जाता है, आग में से निकलना हो जाता है। ये जिंदगियां, ये सोचें, ये हमारी इटर्निटी को बदल देता है। आमीन। जिमी, तीनों बेटे साथ में, बदली हुई जिंदगियां, ब्यूटीफुल। What a glorious night this is. We're baptizing Lovepreet. Hallelujah. In the name of the Father, in the name of the Son, the name of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. ते दिल योदा नहीं करा ओ तन जिसे बच गए सपूरा ते तक गए सारे ओ बसरा ओ तन जिसे बच गए सपूरा
मेरी हड्डियां कराते हुए सारा दिन कर गया कराते हुए सारा दिन कर गया ओ तन जिते बच गए लिखिया गया जिंदगी बॉर्न अगेन हालेलुया सारे योग सदा जसप्रीत की मामा हालेलुया हालेलुया और हम अपनी मामियों को अपने पापा के बैप्टिज्म्स रिसीव करते हैं हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Our privilege to baptize Sister Sarita in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the precious Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Privileged tonight to baptize Kuldeep. We baptize him in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! 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 I got it.
जब बैप्टिज्म होता है, दिस इज लिटरली शेर के मुंह के अंदर शिकार है. हाँ, शेर के मुंह के अंदर शिकार है. शेर के जबड़े को खोला, यीशु की भेड़ का निकाला. Hallelujah. Glory. Yes. Hallelujah. It's our privilege now to baptize Brother Edwin in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. जो कर्ज था, जो गलत वर्ड बोला गया, जो गलत जगह पांव रखे गए, हर वो चीज यीशु नाम में कैंसल इन द नेम ऑफ यीशुआ. आमीन. आज जो एनॉइंटिंग है जसकरण की जिंदगी के ऊपर, वो एनॉइंटिंग इस बैप्टिज्म के बाद ब्यूटिफुली एक्टिवेट हो जाती है. आमीन. हालेलुया. It's our privilege to baptize Jaskaran. We baptize him in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. इंतजार कर रहे हैं थोड़ा भी आ जाओ. सो ब्यूटिफुल. जब बारिश बरसती है
तो बारिश खाली गिने चुनों के ऊपर नहीं बरसती, बारिश सबके ऊपर बरसती है। तो ये वो मोमेंट है जब स्वर्ग ऐसे ओपन है, हालेलुया। मिलियंस 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 ऑफ एंजल्स हैव सराउंडेड दिस सैंक्चुरी और वो खुशियां मना रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं स्वर्ग में, और ऊपर से एनॉइंटिंग खुशियां ब्लेसिंग बरकतों की बारिश हो रही है। और ये बारिश खाली उनके लिए नहीं है जो बपतिस्मा ले रहा है, क्योंकि हमारी आंखें इस खूबसूरत द मोस्ट डिवाइन मोमेंट को विटनेस कर रही हैं, तो वो एनॉइंटिंग हमारे ऊपर भी आ रही है। वो बारिश में आप सब डूबते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यूथ, हरीश जी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। इन्होंने बच्चियां लई दुआवां कीतियां सी। We baptize them tonight in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! I love Jesus. Amen. Hallelujah. कोई और रेडी है बैप्टिज्म के लिए? पास्टर राल्फ पानी में है, पानी भी है, यीशु मसीह खुद यहाँ पे खड़े हैं, होली स्पिरिट आपको तैयार कर रहा है। आ जाएं, ले लें, आज हो जाने दें, दिल ने दें और आज उस राजबाजी को पूरा कर दें। आप लेना चाहते हैं? हालेलुया! ये माइक मत बंद करो भाई। एक प्यारा सा प्लेन उतरा था पिछले संडे बपतिस्मे के लिए। हालेलुया! हालेलुया! आशीष, ये फूड टीम को जो भी बाहर है सभी अंदर बुला लो, खाना रख दे, अपने आप सब ले लेंगे। एवरीबडी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू गेट ब्लेस्ड हियर, एवरीवन, ईच वन ऑफ देम। जिसको जाना अपने आप खुद खाना ले लो आप। एवरीवन हैज टू बी हियर। आशीष को बुलाओ, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, दे आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। एवरीबडी इज कमिंग इन, सभी अंदर आए हैं। हमने डिसाइड किया था कुछ, विल टॉक लेटर देन। अभी बात होगी थोड़ी देर बाद। पिछली बार यहीं पे हो गई थी। इस बार बाद में होगी। चलें रमन जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। और भी अगर आपका दिल तैयार हो रहा है टू बैप्टाइज, दिस इज द मोमेंट। आपने लिया हुआ है? हो जावे ईमान मेरा वांगना चट्टान दे, हो जावे ईमान मेरा वांगना चट्टान दे, कांप वांगू उड़ा सदा वैसे आसमान दे। दिस इज वेरी गुड, हालेलुया। I didn't know we would get so
full and excited here and have such a great service, although they're all good services. Thank God. Thank you, Pastor Monica, your leadership. But I did want to just say to the church body that they did something very special inviting some of us who are a little bit past your age. In other words, we're old. And they invited all the seniors, or as many as they could, and we went to the house there, and we just... I couldn't believe we could have so much fun and laugh so much and all in one night. But I want to thank the leadership who's doing that, and just for your kindness to Sister Rita and I, and we were blessed very much. Thank God. Thank you, Sister Monica. Thank you, Pastor Ralph, for coming over. So, ye seniors night ki baat kar rahe hain, jis din youth ne hamare buzurgon ko khoob hasaya, ya buzurgon ne hame hasaya. We had such a beautiful time. Aur aaj bhi jitne hamare buzurg hain, khana kha ke bahar bench mein aa jaiyega, aapki paon dabane ke liye, aapki seva karne ke liye, ye pura youth intezar mein rahega. Amen. Aur जो भी जाता है आ सकते हैं, नो एज लिमिट. हालेलुया. ऐसा रुदा मजा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा. ऐसा रुदा मजा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा. मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा. मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा. सारू दा मजा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा. हो जावे ईमान मेरा बंगला चट्टान दे, हो जावे ईमान मेरा बंगला चट्टान दे. उताप वांगू उठा सदा पिछे आसमान दे, उताप वांगू उठा सदा पिछे आसमान दे. ਗਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਗਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ. ਉਹ ਪਾਟ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ.
ਨਾਮ ਸਾਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾ आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम है जो मैं यहाँ पे आया हूँ खुदा बाप की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से आप लोगों ने हम सबका बहुत साथ दिया और ख़ास करके आशीष का अपने बच्चों से भी बढ़कर इनको संभाला और अपने माँ बाप की ब्लेसिंग से और इस बच्चे की मेहनत से मैं यहाँ आया हूँ खुदा बाप ने हमको बहुत ब्लेसिंग दी है और हम आशा करते हैं कि जब हम आने वाले दिनों में भी खुदा हमारी ऐसी मदद करेगा और आज आपकी ज़िंदगी का वो मोमेंट है जब आप इस पानी में जाएंगे पैदा होने से लेके अब तक हर चीज़ पुरानी ख़त्म आप बॉर्न अगेन एक जैसे एक बच्चा पैदा होता है जी वो कितना प्यारा सा वैसी मासूमियत से आप बाहर आएंगे पुरानी सारी कर्सेस हर चीज़ हम मांगते हैं खुदावन से वो ख़त्म हो नई जिंदगी जब आप पानी से बाहर आएंगे आपका नाम जिंदगी की किताब में लिखा जाएगा और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने इतने नज़दीक से आपको देखा और आपकी ब्लेस सो नाइस ऑफ यू रियली आई मतलब मैं अपने दिल से ये बातें कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसा सोचा समझा नहीं था पर मुझ पर खुदा की बहुत बरकत हुई है कि मैंने आपको इतने पास से देखा और आपने टच किया मेरी सारी बीमारियां मुझे विश्वास है तू और हमारे परिवार को बहुत ब्लेसिंग मिली Brother Livingston, and we're going to baptize him in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾ
सोता नहीं, सो जाए तो ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए तो ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू मुझे छू पाक मुझे छू, छू मुझे छू पाक मुझे छू, अग्नि बे
ਯਸੂ ਡੰਗ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਯਸੂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਏ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਏ ਰਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਨਾਲ 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 ਹੈ ਯਸੂ ਨਾਲ 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 ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਯਸੂ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਆ ਗਿਆ ਯਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਸੂ ਵੈਦ
कोई जमाने पे खड़ा पाप का छोड़ दिया पटके को छोड़ दिया खड़ा पाप का छोड़ दिया पटके को छोड़ दिया यीशु की मेहरबानी हो गई यीशु की मेहरबानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया हाँ मैं यीशु की दीवानी This is His glory, उसकी महिमा, उसकी बड़ी गहरी महिमा, बहुत गहरी महिमा।
और ये रूह के अंदर तक जाता है. इसको अंदर तक भरे रखना. अनॉइंटिंग ऑफ हम्बलनेस. आमीन. हम नम्र होते जाएं. कंपैशन काइंडनेस हमारे हार्ट के अंदर भर जाए. दुश्मन को भी हम ब्लेस कर सकें, उसके लिए भी हम दुआ कर सकें, तो अपनों को कितना ही प्यार करेंगे. आमीन. खुदावन आप सबको बहुत ब्लेस करे. आज खुदावन ने ओवरफ्लो दे चुके हैं. इसके बाद कुछ मांगने के लिए रहा ही नहीं. मंगनों पहला दे देता है, आदत तेरी है. आमीन. ए हमारे बाप, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे. जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर. हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरा है. I pray from book of Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Khudavand ka khoobsurat pyara nurani chehra sabon ke upar har waqt chamakta rahe. Khudavand ki us noor mein dube rahe. Jahan se guzre khudavand ki mehak aaye. ये जो मसा है इसकी खुशबू आए. जहाँ ठहर जाए खुदावंद का अक्स नजर आए. चलती फिरती बाइबल बन जाए. लोग आपकी ज़िंदगी से बाइबल को पढ़ें और हमारे यीशु की महिमा करें. आमीन. खुदावंद के दिए हुए में से जो आपने खुदावंद के लिए रखा, निकाला, अपने दिल खोला. प्रोवर्ब 3 में लिखा, खुदावंत को अपने पहले फलों से, पहले फलों को खुदावंत के चरणों में ले आए, आपकी जिंदगी ओवरफ्लो करेगी ब्लेसिंग से. दिस इज इम्पॉसिबल मैथ एंड आवर लॉर्ड इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज. आमीन. चीज देने से तो कम हो जाती है, पर जब हम खुदावंत के घर में लाते हैं तो वो अबंडेंस ब्लेसिंग बन जाती है. खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे. एंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सेम अनॉइंटिंग आपके लिए भी, आपके घर में भी रिलीज होती जाए. आप भी सेम इसी अनॉइंटिंग से भरते जाएं, क्योंकि आज ऑनलाइन है, कल आपके प्लेन भी यहाँ लैंड करेंगे. आमीन. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल. जीसस लव्स यू एंड आई लव यू ऑल. खुदावंद बरकत दे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए. गॉड ब्लेस यू. और कैलगरी की तैयारी कर लें. आमीन. गॉड ब्लेस यू. बहुत सारा प्यार. खाना खा के जाएं अब.